काफ़ी क्यूरियोसिटी है और कंफ्यूजन भी है लोगों में कि ये जो 100 नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं आखिरकार ये होंगे कैसे। होंगे कैसे मतलब लोग बाय डिफ़ॉल्ट, या अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं REMC मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, बाय डिफ़ॉल्ट लोग इससे उसको कंपेयर करते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत अभी इंफॉर्मेशन लोगों में है, उसके बेस पे जैसा लग रहा है कि लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये किसी भी तरह से उनका स्टैंडर्ड, ये जो नया सैनिक स्कूल है वो पिछले वाले सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का या RMC का स्टैंडर्ड जो है सो मैच कर पाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक सोच है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक लोग कंक्लूजन चाहते हैं कि हमें पता चले कि वो ऑप्शन यदि हम ऑप्ट करते हैं या करेंगे फ्यूचर में तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि कंक्लूजन तो हम लोग तब निकाल सकते हैं। अभी कंपेयर करने की यदि बात करें तो कोई हिस्ट्री तो है नहीं इन सैनिक स्कूल्स की जो नए खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी खुले ही नहीं हैं तो हिस्ट्री कहाँ से आएगी। तो एक जेन्यून कंपेरिजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, जिस रूप में, जिस तरह से वो हमारे सामने आएंगे खुलने के बाद, उसका कुछ खाका है कि ये इस रूप में हमारे सामने आएंगे, तो उसके आधार पे हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। हम लोग देख लेते हैं पहले कि ये क्या पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो हम लोग के सामने आएंगे स्कूल, उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो भी ये 100 नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं, ये बता दें ये कोई नए सैनिक स्कूल नहीं होंगे, ये कोई नया स्कूल नहीं होगा। जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन्हीं को ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है SSS, ये उनको अप्रूव करेगी। गवर्नमेंट ने ये जो सोसाइटी है इसी को ये अथॉरिटी दी है कि आप सैनिक स्कूल जो है सो इसको, जो भी इसका प्रोसेस है इसको स्मूथली देखिए आप। तो क्या है कि ये नए स्कूल्स नहीं खुलने जा रहे हैं, जो स्कूल एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को अप्रूव किया जाएगा। अब स्कूल की बात है तो भाई कैसे स्कूल, तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने हर एक तरह के स्कूल्स को इसमें डाला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात कि ये जो स्कूल्स होंगे वो PPP मोड पे चलेंगे। PPP का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना, सरकार भी रहेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल्स कौन कौन हो सकते हैं, वैसे स्कूल्स जो स्टेट रन है, जिसको हम लोग स्टेट में सरकारी स्कूल बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वो चल सकते हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं, मतलब स्कूल टाइप ऑफ स्कूल्स में बोल रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्कूल जो किसी NGO द्वारा, ट्रस्ट द्वारा चलते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्कूल जो किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं या सेंट्रल डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी फंडिंग होती है या उसी के सुपरविज़न में चलते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह के स्कूल्स, खासकर एफिलिएशन के मामले में या स्टेटस के मामले में, हर एक तरह के स्कूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया है इसका, जिसमें इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए सोसाइटी ने एक कमेटी बनाई है, वो जितने भी एप्लीकेशंस पहुँचे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं, इस सोसाइटी के पास, इस सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास, वो सारे एप्लीकेशंस को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं, इसमें सैनिक स्कूल खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें कि अभी जो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या REMC है, वो 100% उसमें डे बोर्डिंग का चक्कर नहीं है, वहाँ पर बच्चे हॉस्टलर बन के हॉस्टल में रहते हैं। ये जो 100 नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन रहेगा जो इनका भी जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा डे बोर्डर होने का। डे स्कॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि स्कूल गए चले आए, डे बोर्डर का मतलब होता है, आप इसको रफली समझ लीजिए ना, कि सिर्फ वो सोने के लिए घर में आएंगे सुबह से लेके शाम तक या थोड़ा लेट तक, ऑलमोस्ट 10 आवर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं 10 आवर्स वो स्कूल में ही बिताएंगे। सुबह में जाएंगे, शाम को या अंधेरा होने के बाद वो घर पे आएंगे, जिसमें उनका एजुकेशन और उनकी सारी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी उसमें रन करेंगी। तो वो डे बोर्डर्स होने का ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं। थर्ड, इसमें जो भी स्कूल जो चलेगा उसमें जो प्रिंसिपल्स होंगे, चाहे जो भी स्टाफ होंगे, वो सारे के सारे, अभी जो स्कूल है वो प्राइवेट नहीं होंगे, वो सारे के सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। जैसे उसका जो प्रिंसिपल होंगे या हेड, जो भी हेड होंगे, वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे और एक सर्विसमैन ही उसके स्टाफ होंगे। एक चीज़ अभी इसमें क्लियर नहीं है कि उसके टीचिंग मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ्स कौन से होंगे। जनरली ऐसा थॉट दिया जा रहा है कि जो टीचिंग स्टाफ अभी उसमें हैं, वही यदि अपने क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो वो वहाँ पर रिटेन कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन इतना तय है
कि उस स्कूल के जो हेड होंगे वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर होंगे और जो भी उसके पीटी के ड्रिल के ये सब के जो इंस्ट्रक्टर होंगे मास्टर होंगे वो भी एक सर्विसमैन ही रहेंगे। फोर्थ चीज़, वैसे स्कूल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा एलोकेशन में जिनके आसपास कोई और सैनिक स्कूल नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बेस बनाया गया है, यदि किसी एक ज़िला में सैनिक स्कूल नहीं है तो उस ज़िले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि एक ज़िले में सैनिक स्कूल है तो होपफुली वहाँ सैनिक स्कूल, ये नहीं है कि उसको एफिलिएशन नहीं दिया जाएगा, उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस लेवल में वो थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो अभी निकल कर सामने आ रही हैं, इसके बेस पे हम लोग ये थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं कि इनका स्टेटस क्या होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो आर्म फोर्सेज में हैं उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक बार जो चले गए सेना में ना, वो ज़िंदगी भर सैनिक रहते ही रहते हैं, वो सर्विस में हो या रिटायर कर जाएं। वैसे आदमी सर्विस में होकर किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हो या सर्विस से निकलने के बाद किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हो, मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्रोमाइज़ टाइप कोई वर्ड जो है ना उनकी डिक्शनरी में होता है। उनको ये काम है, ये काम होना है तो होना है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में काफ़ी अच्छा स्टेप है कि जो भी सैनिक स्कूल खुलेंगे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो काफ़ी टाइट रहेगा और मैच कर सकते हैं हम लोग उसको पहले वाले सिनेरियों जो अभी हम लोग के पास अवेलेबल है। सेकंड चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अभी सैनिक स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसको मैच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि 100 जो खुल रहे हैं नए उसमें 50% के आसपास जो स्कूल होंगे वो ज़रूर से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और बच गया परफॉर्मेंस और ये एजुकेशन की बात है या आगे फिर कितने लोगों का उसमें फर्दर ऑफिसर्स बनते हैं आर्म फोर्सेज में, ये तो बच्चों के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा और टीचर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अभी के डेट में ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि हम लोग इसका जो फ्यूचर है और जो सोच के इसको बनाया गया है इसको हम लोग राइट अवे रिजेक्ट कर दें। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ स्कूल्स ऐसे हो जाएँ जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाए कि अभी जो सैनिक स्कूल है उसके परफॉर्मेंस को भी सरपास कर जाए। इसलिए अभी एकाएक से ये कह देना कि ये अपना जो इसका क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर पाएगा, चाहे जिस पर्पज़ से इसको खोला जा रहा है उसमें गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर एजम्पशन हो जाएगा। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छा मान के ही चलते हैं और होपफुली 100 में कम से कम मोर देन 50-60%, मतलब 50-60-70 स्कूल ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम में हम लोग उसको ऑप्ट करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। इसलिए अभी तो उम्मीद कम है कि इस साल उसमें एडमिशन हो पाएगा, लेकिन यदि ऐसा होता है या नेक्स्ट ईयर ही होता है तो एक ऑप्शन के रूप में आप लोग उसको ज़रूर कंसीडर करें, उसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज की डेट में हम लोग उसको रिजेक्ट करें और कल की डेट में जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो हम लोगों को लगे कि हम लोग का डिसीजन थोड़ा गलत हो गया। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यदि इधर सक्सेस नहीं मिलता है तो उस स्कूल को भी ऑप्ट किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।